Realme X खरीदें या Redmi K20, यही सोच रहे हैं ना? अगर आप यही सोच रहे हैं तो आप सही जगह हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोनों में से कौन सा फोन खरीदा जाए और कौन सा फोन दोनों में से बेहतर है। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब इनफैक्ट क्वाइट दी अपोजिट। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको ये दोनों फोन क्यों नहीं खरीदने चाहिए और क्या कमियां रह गई हैं इन फोन में जिस वजह से आपको ये फोन नहीं खरीदने चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। माय नेम इज कुणाल और आप देख रहे हैं अल्फा ब्लैक। पहले बात करते हैं रियलमी एक्स की। तो रियलमी एक्स नो डाउट बहुत ही अच्छा फोन है। 20,000 के अंदर एमोलेड डिस्प्ले लाने वाला पहला फोन है रियलमी एक्स। कॉन्ग्रेट्स टू रियलमी। एंड बाकी स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छे हैं इसमें। कैमरा बहुत अच्छा है दिया गया है जो कि इस प्राइस पॉइंट पर है, और साथ ही साथ इसमें आपको मोटराइज कैमरा मिल जाता है जो कि फीचर अभी तक सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में आ रहा था। और रियलमी इसको 20,000 के ब्रैकेट के अंदर, प्राइस ब्रैकेट के अंदर इस फीचर को ले आया है। बात करते हैं कि इस फोन को आपको क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो पहली चीज, इसमें 710 प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक पुराना चिपसेट है। क्यों रियलमी, क्यों आपने इतना अच्छा फोन बनाया और आपने इसमें पुराना चिपसेट दे दिया? मेरा सवाल यही है रियलमी से कि 730 प्रोसेसर अगर इसमें आपने दिया होता तो इट वुड बी द बेस्ट फोन अंडर 20,000। दूसरी चीज जो इस फोन में नहीं है वो है दो, इट लुक्स प्रीमियम, काफी प्रीमियम दिखता है फोन, बट स्टिल इसमें प्लास्टिक बैग दिया गया है। रीजन मुझे नहीं पता, ग्लास बैग की जगह प्लास्टिक बैग यहाँ पर क्यों यूज किया है, कॉस्ट कटिंग के लिए। साथ ही साथ कलर ओएस पर चलता है। कलर ओएस, अगर आप रियलमी फैन हैं और आपको कलर ओएस पसंद है तो आपके लिए फोन ठीक रहेगा, लेकिन कुछ लोगों को कलर ओएस पसंद नहीं आता है। मुझे पर्सनली कलर ओएस पसंद नहीं है, तो फिर हम जैसे लोगों के लिए दिक्कत है। तो रियलमी ने बहुत ही अच्छा फोन बनाया 17,000 के अंदर, बट दो कमियां इसमें जो मेजर छोड़ी है वो है 710। पुराना प्रोसेसर होने के कारण दोस्तों इसमें फर्क क्या पड़ता है, जब भी आप नए अपडेट्स आते हैं गूगल के या फिर ओएस अपडेट्स आते हैं तो आपका फोन उन अपडेट्स के बाद स्लगिश और लैगी होने लगता है परफॉर्मेंस में। जो ऐप्स आप डेली यूज करते हैं उनको उनमें परफॉर्मेंस लैग आपको दिखने लगता है पुराने प्रोसेसर होने के कारण। तो यहीं अगर रियलमी ने कोई एक नया प्रोसेसर यूज किया होता, 710 की जगह 730 यूज किया होता, इट वुड बी द बेस्ट फोन अंडर 20,000। अब बात करते हैं हमारे दूसरे कंटेंडर की, Redmi K20। Redmi K20 ने 730 प्रोसेसर तो यहाँ पर दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा जंप कर गया है प्राइस ब्रैकेट के बाहर। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इट वुड बी अंडर 20,000 या फिर 20,000 इसका प्राइस होगा, लेकिन उन्होंने अपने स्टार्टिंग वेरिएंट 64GB की स्टार्टिंग कीमत जो है 22,000 रखी है। अगर यही फोन 20,000 के अंदर होता इट वुड बी द बेस्ट फोन अगेन, बिकॉज इसमें सारे फीचर्स हैं, प्लस जो कमी रियलमी में थी कि ग्लास डिजाइन का ना, ग्लास बैक का ना होना, और साथ ही थोड़ा सा बेटर लुकिंग फोन है ये रियलमी एक्स से। तो अगर इन्होंने प्राइस को 20,000 के अंदर रखा होता रेडमी ने तो इट वुड बी द बेस्ट फोन, बट इन्होंने स्टार्टिंग वेरिएंट ही 22,000 से स्टार्ट किया है जो कि 64GB आपका वेरिएंट है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर अब ये उठता है कि 48MP का कैमरा, अगर आप उससे पिक्स खींचना पसंद करते हैं या फिर वो, तो 64GB आपके लिए कम रहेगा बहुत ही। अब बात करते हैं इसका कंपेरिजन होगा फिर 24,000 वाले वेरियंट से जो कि 128GB आपको प्रोवाइड कराता है। बट अगेन रियलमी एक्स से अगर आप रेडमी K20 के 128GB वेरिएंट का डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर 7,000 का डिफरेंस है, जो कि एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और अगर आप कंसीडर करेंगे दोनों ही फोन्स के स्पेसिफिकेशन तो ऑलमोस्ट सिमिलर है सिवाय प्रोसेसर को छोड़ के। तो यहाँ पर आप अगर परफॉर्मेंस पे इतना ज़्यादा जोर नहीं देते हैं तो फिर आप रियलमी एक्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन UI डिज़ाइन साथ ही साथ परफॉर्मेंस अगर आपको मैटर करती है तो Redmi K20 वुड बी अ डील फॉर यू। बट अगेन द क्वेश्चन अराइजेज, इज इट वर्थ स्पेंडिंग 7,000 मोर ऑन इट? कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त कुणाल, साइनिंग ऑफ। यू आर वॉचिंग अल्फा ब्लैक।